हेलो गाइस, यहाँ पे हम करने वाले सोलो में रैंक पुश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलो में हमने कर लिया है, 45 बंदे अलाइव हैं। यहाँ पे हमने पूरी पूरी लूट मान ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बंदा देख रहा हूँ, बंदा शायद से यहीं पर है। मैंने एक बंदा स्कैनर में देखा था, और यहाँ पे एक स्कैनर में बंदा आया और वो मारा गया। फर्स्ट स्टार आने के लिए यहाँ पे हमें कम से कम बूया तो मारना ही पड़ेगा, और यहाँ पे डैमेज भी अपना अच्छा रखना पड़ेगा। डैमेज के लिए हम किल्स करने पड़ेंगे। सोलो में आपको पता है ड्रम डैमेज नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे सोलो में आपको बहुत दिक्कत होती है, आपको किल्स लेने पड़ते हैं बार बार। सो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ। सो हम यहाँ पर आ चुके हैं पोची नॉक पर। पोची नॉक पर हमने यहाँ पर बहुत सारे टोकन्स लूट लिए हैं। आपको पता होगा टोकन यहाँ पर बहुत काम में आता है। सोलो में आपको यहाँ पर किसी बंदे को रिवाइव नहीं देना होता, तो टोकन आपको पूरे पूरे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे टोकन से यहाँ पे ग्लू वॉल निकाल लेते हैं बहुत सारी, पूरी पूरी ग्लू वॉल तो यूज़ कर लेंगे हम लोग। और यहाँ कुछ स्कैनर्स भी ले लेते हैं, काम आते हैं स्कैनर्स। सोलो में एंड एंड में वाली जोन में बंदे होते हैं। यहाँ पे पोची नॉक पे भी एक भी बंदा नहीं है। यहाँ पे पीक पे चले जाते हैं, पीक पे बहुत शायद से अच्छे खासे बंदे होते हैं, वैसे रश करने आते हैं पीक। सो हम पीक पे चले जाते हैं, पीक के नीचे वाली साइड पे आ गए, हमको यहाँ पे स्कैनर मिल जाता है। यहाँ पे स्कैनर से हम बंदे देख सकते हैं। सॉरी, 25 बंदे अलाइव हैं यहाँ पे, 24 बंदे मेरे अलावा अलाइव हैं। मतलब यहाँ पे स्कैनर फेंक दिया है यहाँ पर, शायद से मेरे को लगता है कि ऊपर बंदा निकलेगा। ये ऊपर वाले घर पे बहुत लोग कैम करते हैं, और बाद आप देख लो यहाँ बंदा निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं बंदे की तरफ। सो यहाँ बंदा ऊपर की साइड है, ऊपर साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर नेड कर देते हैं। सो हम यहाँ पे इसकी दूसरी वाली साइड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे बंदा है कि नहीं। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे वैसे बंदा होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एम कर लिया था। वैसे मैं यहाँ पर रिमोट शॉट से मार रहा था। यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग के टाइम में यहाँ पर रिमोट नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ देख लिया, हेड रख के मार दिया। यहाँ पर बहुत आसानी से ये बंदा मर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वहाँ से लूट के यहाँ पे मैंने ड्रॉप देखा था, यहाँ पीक की साइड आ गया था। मैं वहाँ पर पूरा पूरा हमने लूट कर ली थी। यहाँ पर देखिए बंदा एक बार मैप पर आता है, और मैप पर आ रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ग्लू बॉल डालते हैं, क्योंकि ग्लू बॉल की कमी नहीं है। अब यहाँ पे ग्रेनेड कर लेते हैं को। बंदा पीछे आ गया एकदम से, यहाँ पे 67 का डैमेज आ गया था। और यहाँ वन टैप का ट्राई कर रहा है, क्योंकि 67 का डैमेज है, अच्छा खासा वो बंदा डैमेज ही है। और यहाँ पे वन टैप पड़ गया, और यहाँ पे ग्लू बॉल। बस यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बंदा भी स्पॉट कर रहा था। देखो मैप पे आया एक और बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदा जा रहा है। बंदा यहाँ पे किसी से फाइट ले रहा है, वो शायद से डैमेज होगा, तो मैं डैमेज देने की कोशिश करूँगा उसे। यहाँ पे हल्का सा कवर ले लेते हैं वैसे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे अलावा टोटल 7 बंदे यहाँ पे रह चुके हैं। आप देखते हैं कितने किल्स निकल पाते हैं यहाँ पे। आप देखिए पीछे से डैमेज आया, ग्लू वॉल डाल के मैं निकल लूँगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे निकल जाऊँगा मैं, क्योंकि फाइट लेना अभी सही नहीं है। थोड़ा सा जोन की साइड से निकलूंगा, ताकि वो बंदा एकदम मेरे को मतलब डैमेज ना कर दे। लेकिन वो आ ही गया आखिरकार। यहाँ पे नेलर मारते हुए ग्लू वॉल लगाते हुए निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं चांस नहीं लेना बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं निकल रहा हूँ, ग्लू वॉल लगा लेता हूँ, एक मेड यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। अगर मेड यूज़ कर लिया, यहाँ पे देख सकते 70 का शॉट पड़ा है, 70 का शॉट। यहाँ पे एक फ्लैश बैंग था मेरे हाथों में, फ्लैश बैंग मैंने डाल दिया। फ्लैश बैंग से मुझे पता लग गया था कि वो ब्लाइंड हो चुका है। यहाँ पे एक ग्रेनेड यहाँ पर को मार गया। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के उसे पूरा लूट लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आगे बढ़ चुका था। यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे ऊपर से सिर्फ फायर करता है। फायर करने के बाद मैं देखता हूँ, यहाँ पे अंदर चले जाता हूँ, और यहाँ साइड से निकल के यहाँ पे ड्रम से चले जाता हूँ। ड्रम नहीं, यहाँ पे टायर है ये, तो टायर के ऊपर से और ऊपर चले जाता हूँ। वैसे यहाँ से जाना ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि वहाँ पर बंदा कभी कैम्प कर लेता है, क्योंकि टायर पर से बंदे लोग आते हैं। तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, कोई नहीं मिल रहा है वैसे तो। मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे कोई बंदा है कि नहीं, और वैसे बंदे उधर कैम कर रहे थे। यहाँ पे उसका क्रोनो दिख जाता, तो ये शायद से डैमेज होता। मैं यहाँ ग्लू वॉल डाल लेता हूँ। ग्लू वॉल यहाँ पे सोलो में अच्छे खासे ग्लू वॉल मिल जाते, क्योंकि वेंडिंग मशीन ज़्यादातर खाली रहती है। तो आगे बढ़ लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई बंदा नहीं दिख रहा होता। मैं थोड़ा सा जोन कवर कर रहा होता हूँ, मैं दोस्तों साइड से चले आऊँ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बंदे भी स्पॉट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक ग्लू वॉल लगी हुई थी, यहाँ पे मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे पास M82 भी थी। यहाँ पे आप देख देख सकते हैं, यहाँ पे बंदा तो था, यहाँ वूंग बन के जा रहा था उसका वूंग। वैसे जोन में वूंग बहुत ही बेकार है, तो वो मेडिकेट कर रहा था, उसने मेरे को देखा नहीं था, क्योंकि मेरे पास साइलेंसर था। मैं आगे बढ़ गया था, यहाँ पर ग्लू वॉल्स की कमी नहीं है, और आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा था,
यहाँ पे बंदा अभी शो भी नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ है, लेकिन यहाँ सामने दिख जाता है 136 का डैमेज चले जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है इस चक्कर में। वो ग्लू वॉल भी यहाँ पे देखना आप ठीक से नहीं डाल पा रहा, वो बार बार ज़्यादा ज़्यादा ग्लू वॉल डाल दे रहा। और यहाँ पे ग्लिच के चक्कर में यहाँ पे मार दिया था वैसे मैंने, सीधा सीधा बूया हो गया, वो प्लस आ गई। यहाँ पर फर्स्ट स्टार पुश कर दिया है,